वीडियो में हम पोको F5 5G को IQ न्यू 7 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। पोको F5 5G का टॉप वेरिएंट 29,999 रुपए में आता है। इस प्राइस में आपको इसका 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। वहीं IQ न्यू 7 के टॉप वेरिएंट का प्राइस 28,999 रुपए है और इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन काफी पावरफुल स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और दोनों में आपको काफी अच्छी गेमिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आइए दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि किस फोन में आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले दोनों के डिजाइन की बात करते हैं। पोको F5 5G प्लास्टिक बॉडी में आता है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सस्ता फील होता है। फोन के नीचे की ओर आपको USB टाइप सी पोर्ट, सिम ट्रे और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, जबकि ऊपर की तरफ आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। फोन की राइट साइड में वॉल्यूम बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही पावर बटन मिलता है। ऐसे में अगर इसकी प्लास्टिक बॉडी को छोड़ दें तो फोन का डिजाइन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में मिलती है। फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जिसमें आपको म्यूजिक का भी काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वहीं IQ न्यू 7 के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिज़ाइन मिलता है। फोन के साथ बैक पैनल पर मैट फिनिश है, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं आते। वहीं आगे की तरफ फोन में आपको 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और फोन में काफ़ी कम आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। फोन का वजन 193 ग्राम है और ये फोन आपको प्रीमियम फील करवाता है। अब बारी आती है डिस्प्ले की। पोको F5 5G में आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल्स है, जबकि स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, जिसमें फोन काफी स्मूथ चलता है। साथ ही इसका रिस्पॉन्स रेट भी ज्यादा है और डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है। फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है, साथ ही इसके साथ डॉल्बी विजन और HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। फोन की डिस्प्ले में आपको काफी अच्छे कलर्स मिलते हैं, साथ ही कंट्रास्ट रेशियो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। IQ न्यू 7 में आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले का एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और पीक ब्राइटनेस 1300 nits है। इसकी डिस्प्ले के साथ 93.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और डिस्प्ले HDR 10 प्लस को सपोर्ट करती है। इसमें आपको वाइड बाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है। डिस्प्ले के साथ कलर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छा है। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। पोको F5 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 चिपसेट दिया गया है, जो कि 4nm फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर है। फोन में आपको 6GB और 8GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ में 128GB और 256GB के स्टोरेज ऑप्शन है। फोन डे टू डे टास्क आराम से कंप्लीट कर देता है, साथ ही मल्टीटास्किंग के दौरान भी इस फोन में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। इस फोन में आप कॉल ऑफ ड्यूटी और न्यू स्टेट मोबाइल जैसे गेम्स को हाई ग्राफिक्स पर आराम से खेल सकते हैं। IQ न्यू 7 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर मिलता है, जो कि माली G610 GPU के साथ आता है। फोन में 12GB तक रैम और 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट है। इसमें गेमिंग के लिए ग्रेफाइट 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है और गेमिंग के लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा भी है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए आपको डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। IQ न्यू 7 में आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट भी है और अच्छे से काम करता है। कैमरे की बात करें तो पोको F5 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें आपको 64MP का प्राइमरी लेंस दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है, जबकि 8MP का अल्ट्रावाइड एंगल सेंसर है। साथ में 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए फ़ोन में आपको 16MP का कैमरा दिया गया है। फ़ोन की कैमरा क्वालिटी की बात करें तो पोको F5 5G हर कंडीशन में अच्छी फ़ोटो लेने में कामयाब रहता है। फ़ोन का मेन कैमरा शार्प और डिटेल्ड फ़ोटो क्लिक करके देता है। IQ न्यू 7 5G में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो 64MP का है। इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है, साथ में 2MP का मैक्रो लेंस है और 2MP का ही इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी कैमरा काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के साथ आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, हालांकि लो लाइट में इसका कैमरा उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसके रियर कैमरे के साथ वी लॉग समेत आपको कई और फीचर्स मिलते हैं और इसके रियर कैमरे के साथ आप 4K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका सेल्फी कैमरा 16MP का है, जिसके साथ आपको फोटो और पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छी डिटेल और डायनामिक रेंज देखने को मिलती है। बैटरी लाइफ की बात करें तो पोको F5 5G में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। फ़ोन को फुल चार्ज करने में पूरा दिन का बैकअप आपको आराम से मिलता है और हैवी यूज़ में इस फ़ोन की बैटरी 9 से 10 घंटे का ही बैकअप देती है।
फोन के साथ आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। IQ New 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग के लिए 120 वॉट का चार्जर मिलता है। फोन को फुल चार्ज करने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है। अगर एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी आपको दिन भर का बैकअप आराम से देती है। अब बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए। Poco F5 5G एक शानदार स्मार्टफोन होने के साथ साथ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन भी है, जिसमें आपको दमदार परफॉर्मेंस के साथ शानदार डिस्प्ले और कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको सेम परफॉर्मेंस के साथ एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता हो, तो आप IQ New 7 को कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।